राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुणात्माओं, ये मन में हमारा बैठती को नहीं बात जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। काल के जाल से निकलने के ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलों ने अप्लाई करोगे तो आप काल के जाल से ऊपर उठोगे, ना तो उठे ना जा। ठीक है, जैसा करोगे, जैसी साधना करोगे, वैसा तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये सोच लिए, बांध लीजिए, मृत्यु हो जा, फिर इस काम ने और इस परिवार ने कौन संभालेगा आके? आप ये सोच कर चलना पड़ेगा कि नो, सोच लिया आज मेरी मृत्यु होगी और यहां आप दो दिन रहे, चार दिन रहे, हफ्ता रहे, तो आप एक हफ्ता मर गए, नो सोच लो मृत्यु होगी, हम संसार में कोई ना। आप हफ्ते पीछे जाकर अपने काम ने फिर संभाल लोगे, मान ले थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ हुई भी है तो फिर कर लेंगे जा करके, और परमानेंट भी तो टिकट कटेगी या फिर क्या कर लेंगे। ये तो पक्का नहीं कि हम सदा ही रहेंगे, ना जाने कब क्या हो जाए जीव के साथ। तो इनको, ये जो फार्मूले हैं, परमात्मा के वचन हैं, उदाहरण एग्जाम्पल हैं, इनको अपने जीवन में रह रहकर अप्लाई करके देखें और फिर ये कामयाब होंगे। पहले तो पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के नाम पर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, दूने बना करें। बहुत प्रमाण आपको दे दूं, दास के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तब आज के आज आपके सामने डंडोरा पीट रहा हूं कि परमात्मा के मार्ग में चलने वाले के काम नहीं बिगड़ा करते, उनके उनके साथ अनहोनी, वो मिस हैपनिंग नहीं होया करती, फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही क्या है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और दवा दस मद महल मठबो रे। पुणात्माओं, अभी तक हमने दसवां द्वार की रट ला रखी थी, ये सुना था नहीं, दसवां द्वार तो इस काल के जाल तक ही सीमित है, बारवां द्वार, दवा दस मद महल मठबो रे, बारहवें द्वार में एक द्वार तो उस काल के लोक को निकल, ग्यारहवां द्वार जो है काल के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और बारहवां द्वार परब्रह्म के लोक से सतलोक में प्रवेश कराता है, वो बारहवां द्वार है। द्वादश मद मैल मठ बौरे, वो स्थान है बारहवें द्वार को पार करके, जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर तेरा दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। और फिर क्या बताते हैं, दोजक भी सभी ते देखे राजपाठ के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कहते हैं दोजक, कहते हैं नरक को, और बहिष्ट कहते हैं स्वर्ग को, या अरबी भाषा है। दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाठ के रसिया, और तीन लोक से भी तरपति नहीं है इस मन की, ये मन भोगी खसिया। अपने आत्माओं, किसी ने देख ले, किसी के पास साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल होगी, तो इन्होंने सोचा है भगवान एक कार और हो जाए, बस छोटी सी कार ले लूं, सारे बालक बैठ कर सैर सपट्टा करके आवा, बच्चा परिवार, एक छोटा सा कोई प्लाट है, तो इन्होंने सोचा है भगवान इसमें कमरा रसोई बन गया, हुआ बन गई। फिर इन्होंने सोचा है कि भगवान एक प्लाट और मिल जाए, ये दूसरा बच्चा भी अलग से अपना ठाट से रहे, वो दूसरा प्लाट भी बन गया। फिर इन्होंने सोचा इसमें भी थोड़ा बना दूं होता, यानी यह इच्छा खत्म नहीं होती, इतने उसकी टिकट कट ले, वो मर ले, मर जाता है। और वो कोठी बनाई थी उसके बराबर, उसके अंदर कोई प्रवेश करने दे नहीं, क्योंकि गधा बन गया या कुत्ता बन गया, गली में बैठेगा पूछ दबा के। अब यहां कोई सरपंच बन जाता है गांव का, उसकी इच्छा होती चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, सोचा अगली बार एमएलए की टिकट मिला है, एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मौज माच जा, मंत्री बनकर नहीं सोचा मुख्यमंत्री बनो जब चौधरी आव पूरी आत्मा है, तो मुख्यमंत्री बनकर नहीं सोचा प्रधानमंत्री बनो,
इतने मृत्यु हो जाए फिर गधा बना पावे की तक मार के लठ तले। तो परमात्मा कहते हैं तीन लोक से भी तृप्त नहीं ये मन भोगी खसिया। और फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिला तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले, सच्चे संत मिले, सतगुरु का अर्थ होता तो सच्चा ज्ञान दे, ये झूठे ज्ञान देने वाले भी सतगुरु कहलाते हैं, वो नकली हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, कोई सच्चा संत मिले तो इस प्रकार की हमारी यहाँ काल के जाल की इच्छाओं को नष्ट करे, इन अन्य साधनाओं और इन पदवियों और इंद्र कुबेर इसकी पदवी तक भी हमें रिजेक्ट हो नहीं चाहिए। तो ऐसा संत मिले, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद पद माने यहां पर इस पद के कई अर्थ बनते हैं। पद का अर्थ होता है जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझे हुए उलझेड़े को, इस गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की को रचा है, तो क्या बताया है कि पद मिल पदे समाना है। पद पद माने और दूसरा अर्थ होता पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि। तो सही साधना करके उस परम पद को प्राप्त करता है, पद मिल पदे समाना। और चलहन सा उस लोक पठाऊ जो आदि अमर अस्थान के, चलहन सा हे प्यारी आत्मा, ये साधना जो हम बताएंगे, ये पद्धति जो आपको देंगे विधि पूजा की, इससे कहते हैं उसको उस अमर अमर लोक में शाश्वतम स्थान में चलहनसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में भेज दूं, शाश्वतम स्थानम। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां कहते हैं सदगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम है, आदि अमर सदा से अमर है, सबसे पहले वाला। और वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वहां पर इतना सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहां की चार सिद्धियां हैं। इस काल के लोक में ब्रह्म तक की साधना करने वालों को चार मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कोई किसी मुक्ति की साधना कर रहा है, कोई किसी की, कोई किसी, और वो भी मुक्ति भी वो सुख, वो चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका भी पुनः क्षीण होने के बाद वहां से वो छीन लिया जाता है सुख। जैसे यहाँ राजा मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना हुआ है, जैसे पीछे पोलैंड का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्री प्रधानमंत्री सारे मंत्री वो सारे के सारे एक के विमान में यात्रा कर रहे थे, सारे मर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ यही बताने चाहते हैं परमात्मा कि उस प्रधानमंत्री को कितना सुख था, वो छीन लिया जब उसका समाप्त हुआ। तो यहाँ इसी प्रकार कह रहे हैं कि वो चार मुक्ति जिनको तू चार मुक्ति का सुख मानता, वह सदा रहेंगे तेरे पास, कभी छिने नहीं जाएंगे। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो सुख होगा वहां सतलोक में। पुणात्माओं ज्ञान से ही पता चलता है, आप जी को पहले जितना ज्ञान था उसी पर आप सिर दड़कीबाजी लगाए हुए थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत
उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है ऐसे ही तेरा, जब तुझे उस तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा की महिमा से तू परिचित हो जाएगा, अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पहले जब ये गीता बोली गई, गीता जी का जब ज्ञान दिया गया, उस समय सभी लोग तालाबों पर आश्रित रहते थे, वर्षा ठीक होती थी तालाब भर जाते थे। वो ऐसे तालाब होते थे कुछ तो एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाते थे और उसी पर आश्रित होते थे, 20-20, 30-30 परिवार रहते थे, उसी से सिंचाई कर लेते थे, उसी से नहाते थे, उसी को पीते थे। तो ये बता रहे हैं कि उस ऐसी स्थिति वाले तालाब का जिसको पता है कि इसकी औकात इतनी अक्षमता थोड़ी है, वर्षा ना हो तो सूख जाएगा और आश्रित परिवार भी नष्ट हो जाएंगे, जल के अभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और उन परिवारों को अरे एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे, तालाब झील मिल जावे, बहुत बड़ा जलाशय, 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, कहते हैं फिर उस उन परिवारों की उस प्राणी की जैसी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, वो उसने बुरा नहीं लगता लेकिन वो काम चलाऊ सरकार है और वहां उसको पर्याप्त मात्रा में जल है और वो कभी दुखी नहीं होगा, तो तुरंत उसको त्याग कर वो वहां पहुंच जाता है। भले ही वो जल भी अच्छा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे ही हम जो साधना जिन भगवानों की पूजाएं करते थे, भले ही ये अच्छे भगवान थे लेकिन ये मोक्षदायक नहीं थे, अविनाशी नहीं थे। अब हमने अविनाशी परमात्मा मिल गए तो कौन पीछे रहेगा, समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा कबीर देव जी ये आप जी के हम सब के एकमात्र मालिक हैं, हम सभी इसी कबीर साहब की आत्मा हैं। हम अपनी गलती से यहाँ इस काल के जाल में फंस गए, अब इससे निकलने का तरीका हमारे पास नहीं था। काल के जाल में ही जो भी साधनाएं हम करते थे वो काल के जाल में फंसे रहने की ही थी, क्योंकि ये काल भगवान ये नहीं चाहता कि किसी प्राणी को, किसी जीवात्मा को पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो। इसको मालूम है कि जब इस हंस आत्मा को अपने निज ठिकाने का ज्ञान हो जाएगा फिर ये यहां नहीं रहेगी, इसलिए इसने मूल ज्ञान को, जैसा कि परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इसको, इसने इन वेदों का वो हिस्सा जिसमें पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी और उसमें पूजा की विधि लिखी थी वो हिस्सा छुपा दिया, नष्ट कर दिया और शेष वेद दे दिए, ये 4 वेद। इन 4 वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है लेकिन उसके पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। इन 4 वेदों में ब्रह्म तक की साधना का ही उल्लेख है, जिस कारण से सभी ऋषि महर्षि महान आत्माएं जो परमात्मा को चाहती थी उसको पाने की चेष्टा की, उन्होंने वेदों के आधार से साधनाएं की। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान भी इसी ब्रह्म ने दिया और 4 वेदों का ज्ञान भी इसी काल ब्रह्म ने दिया। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया। इसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा है कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये काल रूप, 1000 भुजाओं वाला, 1000 हाथों वाला, 1000 पैरों वाला,
बना हुआ ये काल हो और ये मेरा यथार्थ रूप है, ये मेरा स्वरूप है वास्तविक, और इसकी प्राप्ति, इसके दर्शन अब वर्तमान में मैंने तुझे दिए हैं, इससे पहले किसी ने नहीं देखा और न ही आगे कोई देख सकेगा, न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी क्रियाओं से भी मेरे इस वास्तविक काल रूप के कोई दर्शन नहीं कर सकता, ये मेरा स्वरूप है। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, उससे अन्य लाभ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते समय यानी अंतिम श्वास तक जो इसका जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है। ब्रह्म साधना ओम नाम के जाप से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रश्न नंबर 562 और 63 पर देवी खुद कह रही है हिमालय राजा से कि राजन मेरी भी साधना त्याग दीजिए, सब साधनाएं छोड़कर केवल यदि मोक्ष प्राप्ति करनी है, ओम नाम का जाप जप, ओम नाम का जाप जप है ये आत्मा, और सब पूजाएं, सब साधनाएं, सब बातों को त्याग दे, उससे वो ब्रह्म प्राप्ति होगी, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है, ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति, प्राप्ति मीन ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है ये प्राणी, बाकी उसके दर्शन नहीं होते, ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है ये प्राणी, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में है, उनका पुनर्जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ये स्वरूप है, मेरी प्राप्ति ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, वेदों में वर्णित विधि से भी, यज्ञादि से भी मुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य उपलब्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्त हो जाता है, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं महास्वर्ग को। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, अध्याय नंबर 11 का। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32। इसमें गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं, जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और
अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। मैं काल हूं। अब ये क्या कहता है अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46 फिर देखिएगा, 40, 47, 48 तीनों में बहुत कुछ क्लियर होगा। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप यानी काल रूप में प्रकट, हे सहस्र बाहो यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब यहां क्या कहता है गीता ज्ञानदाता भगवान श्री भगवान वाच, ये है श्री भगवान वाच, और यहां देखिए 47 पे, हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। मैंने अपना विराट रूप दिखा दिया जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में कहा है अध्याय नंबर 11 का ही यह श्लोक 48 है, हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं नए वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ है ना तो वेदों से और ना यज्ञों के और ना ही सब अध्याय से, वेदों में जो ज्ञान गायत्री मंत्र जाप कराने कहते इससे भी नहीं, न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। स्पष्ट कर दिया है कि मैं हे अर्जुन इस मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से न अर्थात वेदों में वर्णित विधि जो यज्ञ आदि है उनसे और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ, किसी के द्वारा न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ अर्थात नहीं देखा जा सकता। अब यहां समस्या आती है थोड़ी सी 49 में, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूड भाव नहीं होना चाहिए, तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे यानी चतुर्भुज रूप को फिर देख, शंख चक्र गदा पद्म युग चतुर्भुज रूप को तो फिर देख, ये विष्णु रूप बना लिया इसने विष्णु रूप। अध्याय नंबर 11 का अब आपने 49 देख लिया, अब 50 देखो, ये 50 है, ये वासुदेव भगवान ने, अब ये कौन बोल रहा है संजय बताओ है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन को के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर होकर इस भयभीत अर्जुन को धीर्ज दिया। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन आपके इस अति शांत स्वरूप मनुष्य रूप को ये चार भुजा वाले को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं, विष्णु रूप में आ गया फिर यू,
अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। पहले डर गया था, घिघी बंद रही थी इसकी। 52 में मेरा जो चतुर्भुज तुल्य, अब ये श्री भगवान वाच काल बोलता है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शनम, सुदर्शनम यानी सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, यानी चतुर्भुज रूप विष्णु रूप भी सब नहीं देख पाते। 53 में क्या बताया है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा और इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप मैंने वेदों से वर्णित विधि में न तप से न दान से न यज्ञों से देखा जा सकता हूं। आगे देखो, परंतु अर्जुन, ये 54 में 53 तक पढ़ लिया, परंतम अर्जुन, परंतु हे परंतम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, मेरा प्राण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित है, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ सीधा सही लास्ट चाहिए। इति यह खत्म हो गया 11वां अध्याय। अपने आत्मा, अब काल ने स्पष्ट कर दिया है, मेरी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना ज्ञान से, ना किसी प्रकार से, कोई नहीं, ना क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन ऋषि महर्षियों ने बहुत हठ योग भी किए, साधनाएं भी की, वेदों में वर्णित विधि से ओम नाम का जाप करके हजारों वर्षों तक भी लगे रहे, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अंत में इन्होंने अपनी ही थ्योरी बना दी, सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है। अब इस काल भगवान ने एक ऐसा जाल फैला दिया कि सभी पूरे विश्व में, चाहे किसी भी मतलब धर्म के अनुयायियों से पूछ लीजिए, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और सारे सदग्रंथ बता रहे हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य के सदृश है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, उसी को कहते हैं। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं ही यहां आकर के ये ज्ञान सुलझाया और समझाया कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। क्या बताया करते थे प्रभु, मानुष जन्म पाय कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज माया के चोजे, बार बार ना पाई यो ये मनुष्य जन्म की मोजे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। कबीर संत मिलन को जाइयो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। नाम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत,
जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत, राम रटत कोढ़ी भलो, चूचू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी, हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि आप जी को धोखे में रखकर यहां डालकर यहां रखा हुआ है, आप जी को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है, ये शरीर तुम्हारा है नहीं, और जिस संपत्ति को आप अपना माने बैठे हो ये तुम्हारी कैसे हो सकती है। ये तो यही पृथ्वी है, यही वो एकड़ जमीन किले हैं, इनके ऊपर अरबों खरबों व्यक्ति अपना कब्जा कर कर के मर गए, और यही इस वो जमीन पृथ्वी जो की तो यहीं पर है। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों ने खो। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। परमात्मा कहते हैं ये माया करतार की, अपनी कहे गवारे, दोजक धक्के खावेगा, नाहक बह बिगारे। इस संपत्ति ने तू अपनी मान रहा है, ये तो हमारी है, अपनी मत समझ, और तू अपना यहां इसको अपनी समझे चिपका बैठा है जोंक की तरह, ये तेरी महाभूल है। कहते हैं पूंजी साहूकार की और बन जा रहा संसार, और पूंजी माल गवा के और नाहक बह बिगार। ये पूंजी परमात्मा की है, ये पृथ्वी है या जो कुछ भी तुम यहां कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, अपनी नहीं है। इसको अपनी मानता है नालायक, या तेरी गलती भूल है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमने इस से अपना पेट गुजारा निर्वाह करके, जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में यहां लिखकर भेज रखी है, ये पृथ्वी इतनी तू रख, ये एक तेरा अस्थाई जुगाड़मेंट है, एक अस्थाई जुगाड़ है, अपना पेट भरने का धंधा कर और मालिक की भक्ति करके पीछा छुटवा ले। वो समझ में मारा आती को ना, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं, ये कुए भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया ऐसा भ्रमित किए बैठी है सभी प्राणियों को, इनकी बुद्धि यही सेट कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही रेंज, इनके गुणों का प्रभाव हम सभी को यहाँ इतना बाई फोर्स रोके हुए है, जैसे कोई शराबी शराब पी ले या भांगी भांग पी ले, उसके बस की बात नहीं, वो कहाँ पैर रख रहा है, कहाँ उसका ध्यान है, कहाँ गिरा पड़ा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, लड़खड़ा के हकला के। तो कहने का भाव कि इसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रभाव से, इस त्रिगुणमयी माया के कारण हम विवश हो गए, हमारी बुद्धि संतान और संपत्ति पर बाई फोर्स ने जकड़ दी। इसी को कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के गुण रजोगुण से हम प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी जीव के वश का, और फिर भगवान विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमें एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, एक दूसरे ममता है, मोह है, ये जीव के वश का नहीं, के इससे बेसिक बात बना ले।
कि इष्ट हट जा। जैसे द्रोणाचार्य जी आचार्य थे, गुरु थे, और वो शिक्षा दिया करते थे कि मोह माया ममता नहीं करनी चाहिए, मोह माया सबकी बहुत भयंकर है, ये जीव की दुश्मन है, मोह नहीं होना चाहिए किसी पुत्र में, पुत्री में, संपत्ति में। और महाभारत के युद्ध में जब यो कहा, युधिष्ठिर ने ये झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे, जब उसने ये शब्द सुने कि युधिष्ठिर अगर कह देगा मेरा बेटा मर गया मैं मान लूंगा, क्योंकि अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और द्रोणाचार्य एक नंबर के बहुत बड़े धनुषधारी थे। श्री कृष्ण को पता था कि द्रोणाचार्य पांडवों की तकरीबन सेना ने खत्म कर देगा, इसलिए श्री कृष्ण ने यह चाल चली थी, यानी श्री कृष्ण में काल था, वो काल चाल चल रहा था कि युधिष्ठिर जाकर झूठ बोल दे तू कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माना कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो फिर कहा झूठ नहीं बोलना चाहता तो कल तुम्हारी पराजय हो जाएगी, घर से बेघर हो जाओगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। फिर उन्होंने स्कीम बनाई कि ऐसे एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है कुंजर, और उसको मार देते हम तीर से, तो कह दिए द्रोणाचार्य के सामने कि अश्वत्थामा मर गया। तो आखिर में वो इन्यों राज्य कर लिया, उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश था कि तू न्यों कह दिए दबी सी आवाज में, भाई पता नहीं हाथी था या आदमी था। तो उसने क्या कहा था कि अश्वत्थामा हिते नर वा कुंजर, वो दबी आवाज में कह दिया, सुना को मन मन में कह दिया नर वा कुंजर, मनुष्य था या हाथी था, कुंजर माने हाथी। इस बात को सुनकर वो ही जो प्रतिदिन शिक्षा दिया करता लोगों को, अन्य को, पुत्र के मोह में युधिष्ठिर ने कह दिया था सचमुच मर गया हो, कति टक्कर मारा इन डांगर की डाल रो है, डावे डावे कति, और हताश हो गया, अगले दिन उठा नहीं गया, उसमें सारे दिन हल नहीं सका, वो गिर गया कति बेहोश की तरह होकर के, और बात बनाओ था दुनिया ने समझाया करता। ये तो कबीर परमेश्वर की कृपा हो, उसकी दया से ही जीव के अंदर यह भक्ति शक्ति आकर के इस ममता से, इस तीनों गुणों से कुछ उल्टा हटे, ये निष्क्रिय होंगे एंटीबायोटिक की साधना सिमरण भक्ति से जो परमात्मा बता रहे इन मंत्रों के जाप से, फर्क बहुत पड़ेगा। और तीसरा गुण जो है क्रोध है, ये क्रोध पहले तो घर में घर में लड़ाई रखे, जरा सी बात पे पति पत्नी ने धमका दे, पत्नी पति के पीछे पड़ दे, पता नहीं के के शब्द सुना दे, ऐसे कभी पुत्र पिता को धमका रहा है, कभी पुत्र पिता पुत्र के साथ झगड़ रहा है छोटी छोटी बातों पे, एक तो ये कह रही तमोगुण के कारण, और फिर सहार तो ये करता ही है तमोगुण ये शिव जी। कहने का भाव ये है कि यहां जीव को बाई फोर्स, और जैसे कोई विलियन खलनायक घेरे रखा करता है, ऐसे हम आप जी को यहां रोका हुआ इस काल में, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कबीर परमेश्वर जी आप जी और हमें ये समझाना चाहते हैं कि भाई यहां आप उतने समय तक ही हो जब तक तुम्हारा प्रारब्ध लिखा हुआ है, और जो पहले हमारे साथ थे वो चले गए, उनका वो समय आ गया, उतना प्रारब्ध खत्म हो गया, और आप जी ये सोच रहे हो कि हमारी अभी जाना नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये तो इसलिए देरी लग रही है कि तेरी वो कागज में सांस अभी शेष रहते हैं, एक दिन वो पूरे होंगे,
और इसलिए देर हो रही है तुझे, तू भी जाएगा। तो पुण्यात्मा जब तक इस प्राणी को अपनी मौत दिखाई नहीं देगी तब तक ये ना भक्ति कर सकता, ना ये बकवाद छोड़ सकता। अब इस काल ने कैसी व्यवस्था कर रखी है, जैसे दास ने पहले देखा अन्य पंथी सत्संग करते थे, वक्ता हो जाते हैं और गायक बन जाते हैं, परमात्मा के शब्दों को बड़ी सुरीली आवाज में गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन असर किसी का नहीं होता। और ये बातें परमात्मा ने कही है कि ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये कहने सुनने तक सीमित नहीं रखना है, ये तो कर पाड़ने की है, ये कर के पीछा छुटवाने की है। तो परमात्मा हमें याद दिला करते थे कि मौत भूल गया बावले, अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौ। अपुण्यात्मा सभी को पता है कि मृत्यु होगी, लेकिन डरकती नहीं। औरों को हम मरते देखते हैं, अपने नंबर की चिंता नहीं। एक समय युधिष्ठिर और ये पांचों पांडव वनवास भोग रहे थे। एक बार उनको प्यास लगी जल पीने के लिए, जल की खोज में। पहले छोटा जाता था, सब ये नियम है, सबसे छोटा भाई गया, फिर दूसरा गया, तो वहाँ तालाब में जो ही उन बर्तन डाला पानी लेने के लिए, आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल लेना। लेकिन सहदेव ने जो सबसे पहले गया, उसने नहीं परवाह की कि भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, इसके प्रश्न के उत्तर दूंगा, इतने जल पिला के आता हूँ। जो ही उसने जल लेने की चेष्टा की, मृत्यु होगी, इंतजार करके दूसरा गया, नकुल गया। उसने भी सोचा ये भाई तो प्यास से मर गया है, बाकी भी मरने वाले हैं, उनके लिए जल्दी जल ले चलता हूँ। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में जल लेना। उसने भी प्रवाह नहीं की, वो भी मर गया। फिर भीम गया, भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अर्जुन गया, अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ। फिर युधिष्ठिर स्वयं गया। अब युधिष्ठिर ने सोचा भी ये तो प्यास के मारे मर गए और किनारे पे आकर ही मर गए। उन्हें सोचा चलिए तो मर लिए, जल तो पी लूँ, क्योंकि जान जाने वाली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। तभी दुष्ट ने कहा कि प्रश्न करो। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न ये था। उसने कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन संसार में बहुत से व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु की हम चिंता कभी नहीं करते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद यक्ष ने उन सभी को जीवित कर दिया, उसके प्रश्नों से प्रसन्न होकर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि हम सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जो ना अचंबा हम ये कर रहे हैं, सबसे अद्भुत कर रहे हैं कि हम डरते को ना मौत तय, दूसरे को हम जैसे कोई मृत्यु हो जाती है निकट संबंधी की, हम उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं जैसे भी रीति जिसकी है। और जब तक हम शमशान घाट पर पहुंचते हैं तब तक तो थोड़ा बहुत महसूस रहता है, अक भाई क्या लेके गया, ये क्या लेके गया। और जो ही वहां से वापस आते हैं उसी समय सब एज इट इज जैसे थे। लेकिन इस तत्व ज्ञान से हमें यह मौत भूली नहीं जा सकती। हमें इसका पता लग गया कि ये डेफिनेट होगी, लेकिन इस डर से हम बुराई भी नहीं करते और भगवान से डर कर चलते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ये सबसे बड़ा फार्मूला बताया परमात्मा ने कि जब तक हम इस मृत्यु से नहीं डरेंगे तो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते और ना ही बुराई छोड़ सकते। जो दो नंबर का काम करते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, किसी को लूटते हैं, ठगते हैं,
या और कुछ करते हैं, तो ये हम बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं और चोरी जारी करते हैं, ये हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमें ये याद नहीं होगा कि मृत्यु ना जाने कब हो जाए। हम एस्टीमेट अंदाजा सा लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि शायद 80-90 वर्ष 100 वर्ष तक तो जीवित रहा कर। पहले तो 70 साल पाछे जो शरीर जीण जोगा रहे को ना, कोई कादा भगवान को अच्छी कोई ठीक संस्कार से हो वो बेशक बचा रहे, और उसके बाद जितना भी समय है आपकी दुर्गति का है, चाहे जीवित 100 वर्ष भी रह जियो। तो कहने का भाव ये है कि हमने इतना लंबा एस्टीमेट अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहिए, चलन की तैयारी करें। उसके लिए हमने भगवान की भक्ति जो भी क्रिया बता रखी है दिन रात करें अपने। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रहरी ताते लगी है वारे। फिर क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई भाई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाले। परमात्मा कहते हैं कि जैसे पुत्र होता है तो राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के खुशी प्रकट किया करते हैं, पूरे शहर में गाने गुने गा के मिठाई बांटा करते हैं। गरीब आदमी ने वही रीस कर ली पुत्र होने के उपलक्ष्य में, थाली पीटा करें थाली पटन टन, तो आसपास के व्यक्तियों को पता लग जाता है कि उनकी पुत्र वधू का बालक होने वाला था, बच्चा होने वाला था, थाली बजी है तो पुत्र हो गया। और फिर वो गुड़ बाट्या करते एक डली सब न जाते आसपास के। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में तुम क्या पे खुशी मनाते हो, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ जो कीड़ी का नाल। बेटा हो गया, युवा हुआ, शादी की तैयारी हुई है, विवाह के लिए बरात जा रही थी, रस्ते में एक्सीडेंट हो गया, और पहले दिन शाम न नाचे थे, गावे थे, डीजे ले रहे थे, पंगा पा रहे थे, मेरा उदमस्तार रखा था, और सवेरे वो लड़का भी मर गया जिसका ब्याह था, 5-7 और साथ में मर गए। तो पुण्यात्मा ठीक है, ये नहीं कि विवाह शादी ना करनी या दैनिक क्रियाएं कति छोड़ दे। परमात्मा कहते फिर फंड क्यों करे, ठीक है ब्याह कर लो सिंपल वे से, जाकर अपनी शादी कर लो, लड़का लड़की का ब्याह होना है उसे 10 आदमी चले जाओ चाहे 2000 चले जाओ, उसमें बकवाद और ये फंड करने की क्या आवश्यकता रहेगी, जिस तो भगवान नाराज हो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम साधु संत भक्त बनकर और फिर हम ड्रामाबाजी करते हैं, नाचना गाना करते हैं, फिर हमने भगवान का ज्ञान कति नहीं, और इसलिए फिर भक्ति बाधक बन जाती है। ऊपरले मन से हम साधना करेंगे वो साधना हमारी व्यर्थ होती है। कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, बिना भाव के बिना श्रद्धा से यदि भक्ति हम करते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति करने का साधना करने का तरीका एक विशेष होता है, कसक के साथ करें। हे परमात्मा मुश्किल से दाव लग्या है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भक्ति मिली है, और कसक के साथ अंदर कसक उठे, जैसे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कसक होया करे, ऐसे कसक बने अंदर से सुमरण के साथ, तो उसका लाभ ज्यादा होता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। एक उदाहरण देते हैं संसार का, जैसे संसार रूपी वृक्ष है और उसमें से ये पत्ते टूट टूट कर गिर रहे हैं, जैसे एक परिवार समझो, एक परिवार है और परिवार का एक सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पता लग गया है कि इसको कैंसर है या कोई और भयंकर असाध्य रोग है, उसको भी पता लग जाता है तेरी मृत्यु होगी,
घर वालों को भी चिंता होती है, वो भी दुखी होते हैं। और फिर वो सोचता है कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा। पूरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है, प्राणी जिसके ऊपर सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, वो साथ नहीं जा रहा है, अकेला जा रहा है, तब वो सोचता है, रोता है, भगवान अब ना पता कहाँ जन्म होगा, कौन से पशु पक्षी के शरीर की प्राप्ति होगी। तो क्या बताते हैं, तो अन्य जो वहां आने वाले, उसको मिलने वाले सांत्वना दिया करते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई तो एक दिन सब ने मरना है, सभी ने जाना है, यहां से क्यों चिंता करता है, यहां तो कोई पीछे रहा ना कोई आगे रहेगा। उसको थोड़ा सा दिल डट जाया करे उसका, कि दिल डट जा, यू मर जा आराम तय, इतनी सी बात है बस, और समाधान कुछ नहीं उनके पास। उसके लिए परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कबीर जी ने, कि पात जड़नता यूं कहे, पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। ये मान लीजिए कि जैसे एक सदस्य घर का बिछुड़ता हुआ कह रहा हो कि भगवान ना मेरा कहां जन्म होगा, कित गिरूंगा जाके, तो उसके लिए परमात्मा बताते हैं, तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है, एक आवे एक जात, एक आवत एक जात। तो यहां की एक रिवाज है इस काल के लोक की, जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का यह एक हार्ड एंड फास्ट नियम है, रूल है, कि जन्म और मृत्यु बनी रहेगी, एक आता है दूसरा जा रहा है। इसके समाधान के लिए परमात्मा ने हमें बताया है, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, साहेब से चतला, साहेब मन परमात्मा, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बनाए, नैन नाक मुख द्वारा देही नक्षक साज बनाया, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सनाए, तुही तो छोड़ दी अब चला अधम किस राहे। फिर क्या बताते हैं, भाई द्वादश वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से घर बारी चाल्या मूल गवाए, रातों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, और काले काग गए घर अपने बैठे स्वेत बुगाए, फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तरा तो ना पेट भराए, सिर पे सींग दिए मन बोर एक दूमत मच्छर उड़ावे, और कंधे जुआ जोते कुआ फिर जो काबूस खावे, फिर पीछे तू खर की जेगा कुर्डी चुगने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़ तेरा कागा मास गिलावे। भाई सुखदेव ने 84 भुगती कहां रंग कहां राए, ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाए। अब क्या बताया इसके अंदर पुण्यात्मा, बहुत गहराई से सोचना इस में क्या कहना चाहे परमात्मा ने। जब ये प्राणी मां के गर्भ में होता है, इसका ऊपर न पैर नीचे न सिर होते हैं, और ये इसको ऐसी पीड़ाएं होती हैं अंदर जैसे कोई मच्छर काट रहे हो, और फिर ये ऐसे मचलता है, ऐसे मचलता है, और मचले अगर वो घूमे नहीं तो मां को पीड़ा होती है,
उसकी जान जान न हो जाए, बालक गुम हो जाने के, बच्चा गुम हो गया, घूम नहीं रहा है, तो माँ को ऐसी परेशानियां पैदा हो जाती है। और वो घूमता क्यों है? क्योंकि उसको पीड़ा होती है। पीड़ा होने से जैसे मच्छर काट जाता है, तो उस मच्छर के स्थान पर हाथ पर मारकर ही हम हाथ से खुरच के उस शांत करते हैं उस दर्द को, पीड़ा को जो थोड़ी सी। ऐसे ही वो उसके मच्छर से लड़ते हैं अंदर शरीर में, इतना परेशान रहता है। फिर ऐसे घूमता है तो माँ के अंदर पेट के साथ उसकी घर्षण होती है, जिससे उसको कुछ राहत मिलती है। अब वो कोई शौक में नहीं घूमता, और कोई बैरिंग निला रखी उसके वो अप्पा घूमा है, या कोई बिजली नहीं फिट कर रखी, विवश है वो घूमने के लिए, और ना घूमा तो माँ को समस्या। तो पुण्यात्मा तब ये क्या कहता है परमात्मा, मुझे इस नरक से निकाल दो। हे प्रभु, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपको, सारा जीवन आपको याद करूंगा, अपने दैनिक कार्य को करते करते भी परमात्मा तुझे नहीं भूलूंगा, क्योंकि माँ के गर्भ में इसको सब बातें याद रहती है। जब ये प्राणी माँ के पेट से बाहर आते ही तो तीनों गुणों का एकदम इसके ऊपर अटैक होता है, जैसे तीन इंजेक्शन ला दें इकट्ठे ही। फिर ये भूल जाता तू कौन था, कहाँ से आया था, क्या पिछले जन्म में तेरे साथ बीती थी, जो माँ के गर्भ में जब इसको याद था। फिर ये प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त होता है, अब देखो पुण्यात्माओं, हम इतने ज्ञानहीन हो गए, हम भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारी चिंता हमसे ज्यादा रखता है। माँ के गर्भ में आपकी 9 महीने तक किसने परिवर्ष की, आपको किसने पाला? माँ को तो ये नहीं पता गर्भ में बेटा है या बेटी है। किसने पाला? परमात्मा ने माँ की नाभि से आपकी नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया। 9 महीने तक वहां पालन पोषण मालिक ने किया, दूसरे का रोल नहीं वहां पर। उसके बाद जब बाहर आया, बाहर आते ही माँ के सतन में दूध, उससे पहले एक टोपा नहीं था, एक ड्रॉप भी नहीं थी। अपने आत्माओं, हम इन बातों को एक देख करके रूटीन मान लेते हैं, ऐसा होता है। क्यों होता है? इसके कारण तक हम पहुंचते नहीं, हम भगवान की महिमा करते नहीं, उनके गुण नहीं गाते, शुक्र नहीं मनाते दाता का। अब कितना दयालु है वो परमात्मा, माँ के सतन में दूध बच्चे के बाहर आते ही इतना दे दिया, पी और जूठा छोड़े। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।